परिवर्तन का मोड क्यों बनाए बैठी है? बेरोजगारी, महंगाई, स्टूडेंट के साथ पिछले 5 साल में न्याय नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती हो, सारी भर्तियां अटकी हुई हैं, हर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। मोदी अभी सही कर रहे हैं, 370 हटाया, राम मंदिर सब, उनने सही काम किया। प्रदेश में अच्छा नहीं हो रहा तो प्रदेश में मतलब कमलनाथ आएंगे तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? नहीं नहीं मैम, होगा। कांग्रेस ला रहे हैं तो कांग्रेस किस आधार पर, पार्टी के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, विकास के आधार पर या चेहरे के आधार? देखिए, 100% लगाम लगाना तो हर जगह संभव नहीं है। जातिगत जनगणना से पता तो चले हमारे ओबीसी समाज के कितने लोग हैं। प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री चुनाव मोदी जी लेना चाहिए। चुनाव में मोदी जी मोदी जी चाहिए। ये दौर परिवर्तन का है। कौन से काम ऐसे हैं जो मामा ने नहीं किए, जो उम्मीदें थी कि मामा काम? रोजगार नहीं दिया और रोजगार हो रहे तो उसमें बराबर घोटाले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, अब इसे प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री चुनने की बारी आएगी तो किसे चुने? ऑफ कोर्स मोदी जी को ही चुनूंगा मैं। कमलनाथ जी अभी इंदौर भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि रोजगार को उन्होंने बताया था कि रोजगार बराबर देंगे, घोटाले बंद करवाएंगे, इस पर जांच करवाएंगे। इस हिसाब से मैं तो रोजगार के हिसाब से कह रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ तो उसके हिसाब से। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। द न्यूज 15 की टीम मध्य प्रदेश के इलेक्शन को कवर करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंची है। अब इंदौर आए हैं और इंदौर में आकर छात्रों से बातचीत न की जाए चुनावी माहौल को लेकर तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चुनाव में जो यूथ है वो आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि एमपी के चुनाव में युवाओं की संख्या वृद्धि हुई है जो इस बार चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं और अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो अब ऐसे में जानेंगे कि उनकी मुख्यमंत्री पसंद कौन है और किसे वो वोट डाल रहे हैं और किस आधार पर वोट डालेंगे। ऐसे तमाम सवालों के साथ चर्चा का विषय शुरू करेंगे। छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले? मैं सागर जिले का हूँ और इंदौर में मैं तैयारी कर रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षा की, MPPSC। यस। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल किस ओर जा रहा है? अभी तो चुनाव प्रचार शुरू होना है, नामांकन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार जैसे जैसे बढ़ेगा तो चुनावी माहौल और बिगुल बजेगा। मतलब प्रचार के अनुसार वोट डलेगा क्या? नहीं, प्रचार नहीं, जो जिस पार्टी का घोषणा पत्र और जो मांग करेगा युवाओं की, जैसे कि हम MPPSC के छात्र हैं, पिछले 5 वर्षों से 2018 से MPPSC की भर्ती नियमित नहीं हो पा रही है और विशेषकर वर्ष 2019 की MPPSC लंबे समय से अटकी हुई है, तो हम चाहते हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण तरीके से हो। क्या लग रहा है मामा कैसा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में? ठीक है, अभी तो उनका उत्साह समय बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और अच्छा कार्य तो किया ही है। यदि लगता है, यदि जनता उनका साथ देगी तो फिर पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस क्यों ऐसा कह रहे हैं मामा, काम नहीं किया? काम 18 साल से की सरकार है, अभी पटवारी घोटाला हुआ था, उससे पहले भी व्यापम घोटाला हुआ था, इस वजह से सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि ये की सरकार रहती है तो वो मनमानी चलती है, कुछ भी मतलब वो परिवर्तन होगा तो उन्हें डर रहेगा कि आगे काम भी और अच्छे काम करेंगी सरकार। कौन से काम ऐसे हैं जो मामा ने नहीं किए, जो उम्मीदें थी कि मामा काम? रोजगार नहीं दिया और रोजगार हो रहे तो उसमें बराबर घोटाले हो रहे हैं। अभी पटवारी घोटाला, एक ही कॉलेज से 10 टॉपर निकल गए, वही भाजपा के सर उसका कॉलेज था विधायक का, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। सीट मानी जाती है इंदौर में और 6 पे BJP काबिज है, 3 पर कांग्रेस है, क्या लग रहा है कि संख्या में वृद्धि हो? नहीं, मैं बुंदेलखंड का हूँ, यहाँ पढ़ाई करता हूँ इंदौर में, इसलिए यहाँ वहाँ हमारे यहाँ 4 सीटों में लगभग 5 सीटें हैं, 4 पे कांग्रेस आएगी। अच्छा, कांग्रेस में कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस खुद को समेट नहीं पा रही तो जनता को क्या समेटेगी? अब वो उनका है, वो उनमें थोड़ी अंदरूनी चलती है, मैं मानता हूँ गुटबाजी चलती है कांग्रेस में, दिग्विजय सिंह का थोड़ा अलग चलता है, कमलनाथ का अलग चलता है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए इस बार। चुनाव प्रचार के दौरान खुद पार्टी के नेता नहीं आ रहे, देश का जनता का विकास कैसे करेंगे? अब ये सब मुझे नहीं पता, वहाँ की परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस ला रहे हैं तो कांग्रेस किस आधार पर, पार्टी के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, विकास के आधार पर या चेहरे के आधार? कमलनाथ जी अभी इंदौर भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि रोजगार को उन्होंने बताया था कि रोजगार बराबर देंगे, घोटाले बंद करवाएंगे, इस पर जांच करवाएंगे। इस हिसाब से मैं तो रोजगार के हिसाब से कह रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ तो उसके हिसाब से। प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री चुनाव मोदी जी लेना चाहिए। चुनाव में मोदी जी चाहिए? मोदी जी चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब प्रदेश में कांग्रेस और वहाँ BJP? वहाँ मोदी जी सही है। राहुल गांधी नहीं अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मोदी जी सही है। क्यों, राहुल गांधी को क्यों नहीं बना रहे? मोदी अभी सही कर रहे हैं, 370 हटाया, राम मंदिर सब, उनने सही काम किया, प्रदेश में अच्छा नहीं हो रहा तो प्रदेश में बदला है। नवल इंजन की सरकार तो कहते हैं बेहतर काम करेगी।
बेहतर तो केंद्र में कर रही है ना, यहाँ पे नहीं कर रही है। 20 साल से एक ही सरकार कब तक क्या कुछ करेगी? मामा जी तो बहुत योजनाएं लेकर आए हैं, बहुत विकास है ना। मोदी जी केंद्र में कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं और सरकार ने छत्तीसगढ़ में जाके वो ये कहते हैं, और यहाँ पे वो खुद लाडली बहनों को 1000 दे रहे हैं तो खुद मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। भैया नाराज है लाडली बहना की योजना? मैं नाराज नहीं हूँ, बांटे, लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी है और खुद बांटते हैं मध्य प्रदेश में। आप बताइए आप किसे चुन कर लाएंगे? हाँ बताऊँ, इस बार जनता ने बड़े बदलाव के बारे में सोच लिया और जनता ने क्या, इस बार हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि बताऊँ जो अपने युवा हैं उनके बारे में सोचना चाहिए और भी अपने देश के बारे में। अभी पूरे घोटाले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो तुमको पता ही होगा पटवारी घोटाला। मैं भी एक व्यापम का छात्र हूँ मैम, मेरे भी 120 नंबर आए थे मैम, 8-9 नंबर माइनस हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया, एक ही कॉलेज के साथ मैम रैंक लग गई मैम उनको। भाजपा ने करवा दिया? नहीं, भाजपा में अब सीएम तो वही है ना, किससे बात करेंगे हम, वही वैकेंसी निकाल रहे हैं। पहले भी तुमको व्यापम घोटाले का पता है, सारी चीजें पता है हमें। कमलनाथ आएंगे तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? नहीं नहीं मैम होगा, पर जनता मैम 15-18 साल से देख तो रही है मैम। अभी कमलनाथ जी को विश्वास तो देखे मैम, पहले मैम सरकार चुनी गई थी, हटा दी गई मैम पहले, ऐसे वैसे बदलाव करके। अगर कांग्रेस आ जाती है जो देश नहीं चला पाई वो प्रदेश क्या चलाएगी? पर तो मैम पहले भी चला रही थी, थोड़ा और मौका देके देखो, मौका देके देखेंगे जब ही तो पता लगेगा कौन सा अच्छा नेता क्या काम कर रहा है जनता के हित में। अच्छा आप बताइए आप किसे चुन कर ला रहे हैं? मैम सत्ता परिवर्तन का दौर मुझे लग रहा है। परिवर्तन मतलब कमलनाथ जी देख रहे हैं सीएम? मैम क्या मतलब अगर मैं बताऊं क्या ये जो वर्तमान सरकार में है क्या कमियां है इसकी मैं दिखाऊं तो स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट के साथ पिछले 5 साल में न्याय नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती हो सारी भर्तियां अटकी हुई हैं, हर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। तो अभी जो विद्यार्थी वर्ग है वो संतुष्ट नहीं है सरकार से। आप चाहे पीएससी देख लीजिए या अन्य कोई पटवारी भर्तियां देख लीजिए, कोर्ट कचहरी के साथ साथ आयोग, बहुत सारे जैसे व्यापम और कई संस्थानों में उलझे हुए बच्चे हैं, तो वो मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें। डबल इंजन की सरकार से कितना फायदा है कि प्रदेश में बीजेपी और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी बीजेपी का? मैम दरअसल देखिए फायदा तो उसमें होता है राज्य को, क्योंकि अगर केंद्र में सरकार वही है और राज्य में वही सरकार है, थोड़ा एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है वो स्टेट्स को हो जाता है। लगेगा कि कमलनाथ जी आ जाएंगे और प्रदेश में और मुख्यमंत्री बन जाएंगे कमलनाथ जी, और प्रधानमंत्री की बारी आएगी तो पीएम मोदी को चुन कर ले आएंगे, तो लग रहा है कि विपरीत राजनीति के साथ विकास हो पाएगा। मैम दूसरे राज्य में भी सरकार है ना, जैसे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप कांग्रेस सरकार है वो भी अच्छे से चल रही है, राजस्थान में भी सरकार चल रही है, तमिलनाडु साउथ में देख लीजिए सरकार चल रही है, पंजाब में चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है, तो बाकी राज्यों में उत्तराखंड में तो बीजेपी उत्तराखंड में बीजेपी है, पर हिमाचल प्रदेश और तो सरकारें चल रही है ना, काम कर रही है। दिक्कतें तो वहाँ पर भी हैं, कह रहे शराब दे देते हैं जनता को, फ्री की रेबड़ी बांट देते हैं। देखिए 100% लगाम लगाना तो हर जगह संभव नहीं है कि 100% हर चीज़ पर लगाम लगाई जा सकी, पर कोशिश सरकार को करना चाहिए। जैसे आप एक बायस जो मतलब भर्तियों की, मैं अगर भर्तियों की बात करें मध्य प्रदेश में तो बहुत उलझी हुई हैं, आप खुद देख लीजिए इतने साल में हर रोज अखबारों में छप रही हैं, गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो ये मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, अब इसे में प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, अगर प्रधानमंत्री चुनने की बारी आएगी तो कैसे चुनेंगे? ऑफ कोर्स मोदी जी को ही चुनूंगा मैम। ऐसा दोगलापन क्यों दिखा रही है जनता? राज्य में देखिए नेतृत्व की ये ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मध्य प्रदेश में नेतृत्व किसका है? सीएम शिवराज सिंह चौहान का। तो इनकी लीडरशिप है, तो हम रिस्पॉन्सिबल इसको बनाएंगे, इनको बनाएंगे, इनने राज्य में जो काम करे हैं उनके आधार पर, उनके मापन के आधार पर इनका जो निष्पादन है काम का वो हम देखेंगे। अच्छा अगर सेंट्रल में अच्छे काम किए हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, 370 ऐसे हो गया। अगर मुख्यमंत्री पद से चेहरा बदल दिया जाता, मामा की जगह किसी और को खड़ा कर दिया जाता तो क्या लग रहा था, जनता सपोर्ट करती? मैम जनता तो वैसे भी देखो अभी भी वोट डालेगी, सपोर्ट तो करेगी ना करेगी, पर मतलब मेरा एज अ स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। ये दौर जो है ये दौर परिवर्तन का है, क्योंकि हम लोग भी बोर हो चुके हैं एक लंबे समय तक एक ही चेहरे को देखते हुए। मुझे लगता है इनकी कार्य क्षमता खत्म हो गई है। 5 साल में आप भर्तियाँ नहीं दे रहे हो, अब बच्चा 21-22 साल में आएगा यहाँ तैयारी करने कॉलेज के बाद, वो 28 साल की उम्र उसकी हो रही है। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मेरा नाम शिव प्रताप सिंह। कह रहे हैं कि कांग्रेस जहाँ जहाँ सरकार बनाने जा रही है वहाँ वहाँ बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है, अब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को चुनकर लाते हैं तो लग रहा है कि बजरंग दल बैन होगा? नहीं मैम मुझे नहीं लगता, वो तो खुद ही अभी रामकथा करवाई वहाँ पे छिंदवाड़ा में देख लीजिए आप, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला। क्यों चुनावी घोषणाओं में इस तरह की वादे किए? ये तो पक्ष विपक्ष के दावे होते हैं अलग अलग प्रकार के, एक दूसरे को बदनाम करने की साजिशें होती हैं। कोई अगर इंडिविजुअल कोई बात कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का वो पूरा मत पार्टी का वैसा है, तो वो इंडिविजुअल किसी की राय हो सकती है, मुझे नहीं लगता। यहाँ पर और भी लोग जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे आप किसे चुन कर कांग्रेस। अच्छा जनता इतना परिवर्तन का मूड क्यों बनाए बैठी है? बेरोजगारी, महंगाई, जो लास्ट लेवल होता है, जो
बेरोजगारी भी अब ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा है। जो 500 रुपए का सिलेंडर मिलता था वो 1200 रुपए का है। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े उसमें कोई से भी जवाब मांग लो, बीजेपी वालों से वो जवाब नहीं देते। वो धर्म का मुद्दा बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। कांग्रेस नहीं बना रही है? नहीं बना रही है। क्यों? वो तो कह रही है बजरंग दल बैन कर दे। कहाँ बोली? दूसरी बोली मगर की क्या? नहीं की है ना, क्योंकि करने नहीं दिया। नहीं की? की नहीं। बजरंग दल घोषणाएं में क्यों, घोषणा पत्र जब आते हैं तो मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि बजरंग दल को बैन करेगी। क्षण में तो बोलते हैं। कहाँ बोले? नहीं बोले। प्रियंका गांधी बोली? मध्य प्रदेश में बोली? नहीं बोली। बोलते तो है ना दूसरी पार्टी। वो कर्नाटक में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग घोषणाएं हुई है। अगर बजरंग दल बैन करने की बात, पार्टी का एक एजेंडा चल रहा है एक राज्य में, तो दूसरे प्रदेश में भी तो कर। छिंदवाड़ा से आता हूँ अभी, सिमरिया में बागेश्वर धाम भी आए, पंडित प्रदीप मिश्रा भी आए, दोनों को लाया कमलनाथ ने, तो वो कभी बैन नहीं कर पाएगा, करवाएंगे वो। अच्छा, कहते कि कांग्रेस का रुख जो है वो अल्पसंख्यकों की तरफ ज्यादा होता है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं लग रहा है। तो क्यों हर बार राहुल गांधी के भाषण में अल्पसंख्यकों की स्पीच ज्यादा होती है, उनके लिए बातें कहीं? अभी तो ओबीसी की बात कर रहा है कि 95% बजट ओबीसी के सेक्रेटरी द्वारा लिया जाता है, वो तो अभी ओबीसी की बात कर रहा है, अल्पसंख्यक की बात तो कर नहीं रहा। आज भी उसका भाषण था छत्तीसगढ़ में, उनने ओबीसी की बात किया। क्यों जातिगत जनगणना की बात? जातिगत जनगणना से पता तो चले हमारे ओबीसी समाज के कितने लोग हैं। अच्छा, फिर जातिगत जनगणना के आधार पर जो वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है वो कितनी सही लगती है? गलत है जातिगत, हाँ, बट एक आना चाहिए, सर्वे हुआ है तो उसके आंकड़े पेश करना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर जनता का रुख हमने आप सभी के सामने रखा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, जो यूथ है वो किसकी तरफ इस बार अपना रुख बनाए बैठी है, और इस बार के 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में किसे चुनकर ला रही है, ये आप सभी ने देखा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ में अंजलि राठौर।